तो दोस्तों टॉकबैक के अपडेट का तो मीन्स कह लो कई दिनों से इंतजार होता है, कब आएगा टॉकबैक अपडेट का, कब मिलेगा न्यू फीचर, कब मिलेगा यहाँ पर कुछ अच्छा जेस्चर, कब मिलेगा जेस्चर के अंदर फंक्शन, कब मिलेगा फीचर पे फीचर टॉकबैक के अंदर, कब बढ़ेगा टॉकबैक का स्पीड, कई सारे क्वेश्चन होते हैं, कई सारे आकांक्षाएं होती हैं। बस उसी में यहाँ पर टॉकबैक के द्वारा एक न्यू अपडेट लॉन्च कर दिया गया है, रोल आउट कर दिया गया है यहाँ पर टॉकबैक के द्वारा एक और न्यू अपडेट को। जनरली जो टॉकबैक अपडेट है वो 6 से 7 महीने में आता है, जैसे कि टॉकबैक 9.1 का जो अपडेट आया था जनवरी के टाइम में, टॉकबैक 12.1 का अपडेट आया सितंबर के टाइम में, एंड देन टॉकबैक लेटेस्ट जो वर्जन है इस वक्त उसका अपडेट आया अभी जस्ट 2 दिन पहले। तो ये जनरली सभी को मिलना स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये सारे डिवाइस को इजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है, अपडेट में मीन्स एक काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है यहाँ पर टॉकबैक में, जो कि यहाँ पर अपने वॉल्यूम बटन को लेकर है। यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम बटन है, पहले हम उससे इजिली अपने एडबॉक्स में कर्सर को मूव कर पाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है, देखते हैं अभी आगे वीडियो में, बट अभी स्टार्ट करते हैं एंड देन देखते हैं सबसे पहले चेंज को, जो कि यहाँ पर देखते हैं पहले हम डायरेक्टली पहला चेंज क्या है। Battery 74%. Window notification shade. Window notification shade. Touch करेंगे नीचे की ओर. Camera. Window 1 UI home. Window 1 UI home. यहाँ पर ये window. And then उसके साथ में क्यों बोल रहा है ये? पहले तो अलग हुआ करता था. One UI. तो अभी यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो अपने स्पीड में भी हुआ है। टॉकबैक का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा स्वाइपिंग जो स्पीड है उसका स्पीड को इंक्रीज किया गया, देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर टॉकबैक का जो स्पीड को इंक्रीज किया गया, स्वाइपिंग स्पीड को। इसके अलावा या तो 2 चेंजेस हो गए, इसके अलावा जो फर्स्ट चेंज मैंने आपको बताया इसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी क्या ऑप्शन है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फीचर है, सभी आप जानेंगे तो, लेकिन वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो चेंजेस है वो तो वही है मेनली, बैटरी 57%, विंडो नोटिफिकेशन शेड, विंडो साथ में उसके बाद उसका नेम। तो इसका क्या ऑप्शन है, आगे फीचर्स क्या हैं उन सब को देखेंगे। सेकंड अपडेट वो भी आपको बता चुका हूँ, जो कि यहाँ पर स्वाइपिंग स्पीड के रिगार्डिंग में है। स्वाइपिंग स्पीड यहाँ पर हमारा जो है वो थोड़ा सा पहले से फास्ट हो चुका है, हम स्वाइप जब करते हैं देन वहाँ पर थोड़ा सा लेटेंसी था वो कम कर दिया गया टॉकबैक 12.1 के मुकाबले। अगर मैं टॉकबैक 12.1 का यूज़ करता हूँ या फिर मैं टॉकबैक 12.2 का यूज़ करता हूँ, देन दोनों में मुझे चेंज देखने के लिए मिलेगा उनके स्वाइपिंग स्पीड में। टॉकबैक 12.1 हल्का सा स्लो होगा, मगर टॉकबैक 12.2 जो है वो थोड़ा सा मुझे यूज़ करने में फास्ट लगेगा, साथ ही उससे हमारा फ़ोन जो भी जो है वो हमें थोड़ा सा स्मूथ लगने वाला है। तो अभी हम देख लेते हैं आगे इसके फीचर्स को जो कि टॉकबैक सेटिंग के अंदर में ऐड किए गए। चलते हैं सिंपली सबसे पहले हम टॉकबैक सेटिंग के अंदर चलते हैं, यहाँ पर टॉकबैक सेटिंग में, टॉकबैक सेटिंग में यहाँ पर आ चुका हूँ। तो टॉकबैक सेटिंग के अंदर यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन हुआ है वो यहाँ पर हमारा वर्बोसिटी के अंदर में देख लेंगे, यहाँ पे वर्बोसिटी के अंदर। उससे पहले यहाँ पे जो टॉकबैक के न्यू फीचर्स है आप वहाँ पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बट जो यहाँ पे आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ वही सब है, बस यहाँ पे मैं आपको पूरी अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। चलते हैं वर्बोसिटी के अंदर, वर्बोसिटी के अंदर यहाँ पे 2 चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पर कुछ जो ऑप्शन थे उनके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वो कुछ वर्ड का चेंजेस है जो कि कुछ खास बड़ा चेंज नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा चेंज है वो यहाँ पर ऑप्शन की रिगार्डिंग है, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर विंडो से नोटिफिकेशन शेड विंडो देन उसके बाद नेम अनाउंस कर रहा था, इस चीज में थोड़ा चेंज किया गया है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, स्पीक सिस्टम विंडोज व्हेन यू स्विच टू अदर सिस्टम विंडोज लाइक द स्टेटस बार नोटिफिकेशंस और वॉल्यूम कंट्रोल्स ऑन स्विच। स्पीक सिस्टम विंडोज, इसके कहने का ये मतलब है, ये स्पीक सिस्टम विंडोज मतलब ये सिस्टम विंडोज का नेम बोलेगा जब हम स्विच करेंगे अपने नोटिफिकेशन पैनल पे या फिर अपने नेविगेशन बार में या फिर अपने वॉल्यूम पैनल में। यहाँ पर अगर हम इन तीनों जगह पे केवल अगर नेविगेट करते हैं तो वहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन मीन्स नेविगेशन बार एंड साथ ही वॉल्यूम पैनल इन तीनों जगहों पे यहाँ पर हमारा सिस्टम नेम अनाउंस करेगा, जैसे कि सिस्टम UI कुछ फ़ोन में स्टेटस बार, कुछ फ़ोन में नेविगेशन पैनल, कुछ फ़ोन में नोटिफिकेशन शेड, अलग तरीके से यहाँ पर अनाउंस करता था। तो हम ऐसे ही इसे ऑफ कर सकते हैं, सिंपली इसे ऑफ कर देंगे ऑफ यहाँ पर। लेकिन आपको ध्यान देना ये केवल 3 ही ऑप्शन के लिए, नेविगेशन बार मीन्स होम बैक एंड ओवरव्यू बटन, स्टेटस बार जो कि टॉप स्क्रीन पे होता है हमारा, एंड वॉल्यूम पैनल ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। चेक करते हैं ऑफ करने के बाद क्या हुआ, वो बोलना बंद कर चुका है। बैटरी 57% केवल इसने इतना ही अनाउंस किया, इसके अलावा कोई सा भी एक्स्ट्रा अनाउंस नहीं किया। लेकिन चूज अ प्रीसेट कस्टम यहाँ तक तो ठीक था, बट इसके बाद इसने क्या बोल दिया है, विंडो वर्बोसिटी, ये कैसे, अभी अभी तो ऑप्शन को ऑफ किए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया केवल 3 चीज़ों के लिए काम करता है इस वक्त, बट यहाँ पर ये इसके लिए भी वर्क करना चाहिए। जनरली हम फुल स्क्रीन पे बंद कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी
ये एक्स्ट्रा हो जाता है बहुत ज़्यादा हमारे मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे ही हमेशा अनाउंस करेगा, जैसे कि अगर आपका फोकस सेंड बटन पे, सेंड बटन अगर आप लाना चाहते हैं जैसे कि व्हाट्सएप में अगर आप हैं तो वो ऐसा अनाउंस करेगा सेंड बटन विंडो व्हाट्सएप। अभी हम अपने नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है एंड देन इसके आगे हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। आगे प्रॉब्लम्स को हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। बैक आ जाएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन आ चुका है, वेलोसिटी के ठीक बाद स्पीक पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ से गायब कर दिया गया है, कहाँ गया अभी वो भी देखेंगे। कंट्रोल्स है, कस्टमाइज जेस्चर्स यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अंदर कोई न्यू जेस्चर बिल्कुल ही ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पे इसके अंदर कोई सा भी न्यू जेस्चर ऐड नहीं किया गया है, बट यहाँ से इसके अंदर कोई फंक्शन भी ऐड नहीं किया गया है, ना ही कोई फंक्शन है ना ही कोई जेस्चर है, बट एक चेंज है इसके अंदर, मात्र एक ही चेंज है जो कि यहाँ पर हमारा एक्शंस एंड एडिटिंग ऑप्शंस के रिगार्डिंग। पहले क्या होता था, हमें एक्शंस का भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हम जीमेल में हैं, अपने होम स्क्रीन पर हैं, होम स्क्रीन पर भी कई सारे लॉन्चर्स में एक्शंस का बहुत काम होता है, मीन्स वहाँ पर हम इजीली उसके थ्रू काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। एडिटिंग ऑप्शंस हो गया, तो इसके लिए हमें दो अलग अलग जैसे पे रखना पड़ता है, तो टॉकबैक मेन्यू खोल के देन क्लिक करना, बट अभी दोनों मर्ज हो चुके हैं एक ही में। आपका अगर पहले आपने किसी भी ऑप्शन पर अगर एक्शन को सेट किया होगा किसी जेस्चर पे, या तो फिर अगर आपने एडिटिंग ऑप्शन को सेट किया होगा दैन ऑटोमेटिकली एक्शन पे आ जाएगा। एक्शन के अंदर ही अब आपको एडिटिंग ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको क्लिक करना होगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। वही नोटपैड के अंदर चलेंगे, यहाँ पर मैंने एडिट बॉक्स में एक मैसेज टाइप किया हुआ है हाई, यहाँ पर मैं सिंपली टॉकबैक मेन्यू ओपन करता हूँ, एक्शन से क्लिक करेंगे सिंपली एक्शन पे, एक्शन में यहाँ पे मिल रहा है मूव कर्सर टू बिगिनिंग, सारे एडिटिंग ऑप्शन है, यहाँ पे सारे के सारे एडिटिंग ऑप्शन आ चुके हैं। इजिली यहाँ पर एडिटिंग ऑप्शन हमें मिल रहे हैं एक्शन में ही, इसके अलावा अगर आप एक्शन का जेस्चर भी अप्लाई करते हैं तो भी ये इजिली यहाँ पर सारे के सारे एडिटिंग ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। अगर जैसे कि आप जीमेल में हैं तो जीमेल में रहते हुए अगर आप किसी ईमेल पे फोकस रखें अगर एक्शन को के जेस्चर को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपके पास कोई एडिटिंग ऑप्शन नहीं खुलने वाला, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इजिली स्टार करने का ऑप्शन, डिलीट करने का ऑप्शन, जितने भी आप जनरली ऊपर के आपको ऑप्शन। अभी यहाँ पर बात करते हैं सबसे बड़े चेंज के बारे में जो कि यहाँ पर टॉकबैक 12.2 के अपडेट में किया गया। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर जो मेनली है वो अपने वॉल्यूम बटन के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर वॉल्यूम बटन का काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। पहले हम इजिली अपने कर्सर को मूव कर सकते थे रेड बॉक्स में वॉल्यूम बटन से, पहले रेड बॉक्स से फोकस ले लेते हैं अपना, यहाँ पर रेड बॉक्स में मेरा फोकस है, वॉल्यूम बटन को प्रेस करेंगे, कर्सर मूव ही नहीं हो रहा, ना ही एंड का कुछ साउंड आ रहा है, ऐसा क्यों? यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये जो मेरा वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर वॉल्यूम बटन को प्रेस करने पे, मे बी आपके पास वॉल्यूम बटन का भी साउंड आ रहा होगा। अभी यहाँ पर अगर मैं कर्सर मूव करना है तो सिंपली हमें यहाँ पर अपने जेस्चर से ही मूव करना होगा, वॉल्यूम बटन से ये फीचर हटा लिया गया है। पता नहीं ये अपडेट क्यों आया बट काफ़ी लोग वॉल्यूम बटन से अपने कर्सर को मूव करना चाहते हैं, जेस्चर से काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कई लोगों को यहाँ पर अपने कर्सर को मूव करने में, पता नहीं ये अपडेट आया क्यों यहाँ पर ये, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अभी इसके आगे हम कई सारे अपडेट्स अभी देखने हैं, मीन्स कुछ अपडेट्स देखना बाकी है, इसके बाद हम और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानते हैं। तो इसके अलावा अभी आगे जो हम फंक्शन देखने वाले हैं वो देख लेते हैं क्या है। स्क्रीन सर्च, टॉकबैक सेटिंग के अंदर आगे आ जाएंगे, कीबोर्ड हिडन, टॉकबैक सेटिंग्स देख लेते हैं यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट फीचर को। ट्यूटोरियल एंड हेल्प, कस्टमाइज मेन्यूज के अंदर भी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड नहीं किया गया, ना टॉकबैक मेन्यू के अंदर, ना ही रीडिंग कंट्रोल के अंदर में, इसके अंदर भी इस वक्त कोई सा भी न्यू फीचर ऐड नहीं किया गया है। हाँ, टॉकबैक मेन्यू के अंदर से आपको एक ऑप्शन जरूर गायब हुआ दिखाई देगा जो कि होगा एडिटिंग ऑप्शन, क्योंकि वो जा चुका है इस वक्त एक्शंस पे। ब्रेल कीबोर्ड, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे, ये भी ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका तो मीन यूज है ही काफ़ी ज़्यादा यूज है। ट्यूटोरियल एंड हेल्प, एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग के अंदर चलेंगे, अगर यहाँ पे वर्जन है ओपन टॉकबैक एट द प्ले स्टोर, करंट टॉकबैक वर्जन 12.2, करंट टॉकबैक वर्जन 12.2, एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाएंगे, एडवांस सेटिंग है, यहाँ पर कुछ चेंजेस है जो कि मैंने आपको बताया था, एक ऑप्शन गायब है वहाँ पर अपना वर्बोसिटी एंड साउंड वाइब्रेशन के बीच से। ऑडियो हेडिंग, यहाँ पे एक ऑडियो हेडिंग दिया हुआ है, पता नहीं यहाँ पे इसने इसका हेडिंग ऑडियो क्यों दिया गया है। स्पीक पासवर्ड्स, पासवर्ड्स ऑलवेज स्पोकन ऑन स्विफ्ट, यहाँ पे स्पीक पासवर्ड का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर एडवांस सेटिंग के अंदर मिला दिया गया। इसके बाद कंट्रोल्स, ये भी ऑप्शन पहले से कस्टम लेवल, सिंगल टैप टू एक्टिवेट भी पहले से, एलिमेंट डिस्क्रिप्शन ऑर्डर भी यहाँ पे पहले से ही था टॉकबैक 12.2 के 12.1 के अपडेट में। टाइपिंग एंड कीबोर्ड के अंदर में यहाँ पर कुछ चेंज किया गया, यहाँ पर देख लेते हैं। टाइपिंग प्रेफरेंस, होल्ड फिंगर, पहला जो यहाँ पर ऑप्शन था इसका
Typing preference. Hold finger to typing preference. Click करेंगे. Typing preference. Hold finger to select any key, then double tap. Hold finger to select any key, then double tap. Means आपको हर की पे double tap करना पड़ेगा activate करने के लिए. दूसरा option था. Hold finger to select letter key, then lift. Double tap for other keys. Hold finger to select letter keys means A, S, D, F जितने भी keys थे वहाँ पर उन सब पे केवल आप single tap पे use कर सकते हैं. Other keys के लिए जैसे enter, symbol keyboard, next language. एंड देन वॉइस इनपुट सेटिंग्स जितने भी ऑप्शन होते हैं. जीबोर्ड के लेटेस्ट वर्जन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ. जीबोर्ड के पुराने वर्जन पे इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पर इसे फर्क पड़ेगा. लेटेस्ट वर्जन के लिए यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ मेनली लेटेस्ट वर्जन के लिए ही है. इसके बाद यहाँ पर अगला जो न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है वो है होल्ड फिंगर टू सेलेक्ट एनी की देन लिफ्ट. किसी भी की पे आपको केवल अपना फिंगर रखना, एंटर हो, नेक्स्ट लैंग्वेज हो, सिंबल कीबोर्ड हो, वॉइस इनपुट हो, सेटिंग हो, मोर फीचर हो, कोई सा भी ऑप्शन हो, सिंगल टैप पे वो एक्टिवेट हो जाएगा इजिली, जो कि काफ़ी यूजफुल है. इसका तो हम कई लोग मीन्स वेट कर रहे होंगे. एंटर पे डबल टैप करना पड़ता था. नॉर्मल हम टाइप कर रहे एंटर पे डबल टैप करना पड़ता था. ये एक इशू था. तो अभी आप इसके थ्रू सिंपली से सॉल्व कर सकते हैं. इसके आगे एक और ऑप्शन जो है कीबोर्ड शॉर्टकट का है. ये अभी पहले से था. डेवलपर सेटिंग ये हम अच्छे से जानते हैं. ये काफ़ी दिनों से मीन्स जब से टॉपिक आया तब से ही है. यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस के ठीक बाद दो ऑप्शंस आते थे, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस. बस इतना ही था. इसके अलावा एक चेंज और है जो कि चेंज हुआ है, बट ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कभी किसी को भी, नहीं आने वाला. ये टॉकबैक के द्वारा किया क्या गया है, प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कोई फीचर है जो यहाँ पे जो चेंजेस है. चलते हैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं या फिर जो भी टेक्स्ट है पैराग्राफ वाइज उसे देखते हैं. टेलीग्राम के अंदर आ जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं एक टेलीग्राम चैनल पे हूँ जहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस को. यहाँ पे सारी जगह पे यहाँ पे हमारा जो स्वाइपिंग साउंड है वो वर्क कर रहा है. पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, पहले के टॉकबैक में यहाँ पर जब भी हमारा फोकस आता था किसी ऐसे आइटम पे जो कि क्लिकेबल नहीं है, वहाँ पर हमारा साउंड नहीं करता, मींस एक अलग टाइप का साउंड करता, जैसे कि ये साउंड है, ये जो साउंड है ऐसा करता था. बट अभी कुछ चेंज है, देखते हैं. कोई साउंड नहीं किया. शेयर बटन पे साउंड किया. कोई साउंड नहीं, ओनली जेस्चर का स्वाइपिंग साउंड आया बस. अप्रैल 5th यहाँ पे भी साउंड किया, बट इसके अलावा शेयर बटन पे भी साउंड किया. इसके अलावा यहाँ पर भी कोई साउंड नहीं. शेयर पे साउंड है बट यहाँ कोई साउंड नहीं. इसके अलावा यहाँ पे भी साउंड आ रहा है बट इसका यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा. यहाँ पर जनरली जहाँ जहाँ पैराग्राफ वाइज हो रहा है वहाँ पर ये टॉक बैक विदाउट साउंड रीड कर रहा है. अभी इसका कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है. यहाँ पर मीन्स ये टॉक बैक ने किया क्या है, ये कोई प्रॉब्लम है, बग आ गया है यहाँ पर, या फिर इसका फीचर ही कुछ ऐसा है. तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसके. सबसे पहला तो इसका जो इशू है वो अपना विंडो के रिगार्डिंग है. जो विंडो का जो नेम ही अनाउंस करता था वो नोटिफिकेशन पैनल, स्टेटस बार, नेविगेशन पैनल, इसके अलावा हमारा वॉल्यूम पैनल, इन तीनों जगहों के लिए तो ठीक किया गया, बट मेन विंडो के लिए भी चेंज होना चाहिए क्योंकि कभी भी बहुत ज़्यादा इशू करता है. जैसे कि यहाँ पर ये विंडो वन यूआई होम, विंडो व्हाट्सएप, ये अनाउंस करते रहेगा हमेशा. विंडो टेलीग्राम, विंडो इंस्टाग्राम, विंडो ट्विटर, जो भी है यहाँ पर जहाँ जहाँ पे हम जाएँ वहाँ वहाँ पर ये अनाउंस कुछ ना कुछ जरूर करते रहेगा. इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं यहाँ पर जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे आगे कुछ वीडियोज़ में. एंड यहाँ पर कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि यहाँ पर एक्शंस एंड एडिटिंग ऑप्शन को एक साथ मर्ज किया गया, जो कि वैसे काफ़ी यूजफुल मुझे लगा. आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. एंड अपडेट ये आपको जो है वो कुछ दिनों के अंदर मिल जाएगा, एक से दो हफ्तों के अंदर ये जनरली सारे डिवाइस को अपडेट मिल जाएगा. अभी काफ़ी कम डिवाइस को ये अपडेट मिला हुआ है, सो वेट करें, अपडेट आपको भी इजीली मिल जाएगा. टॉकबैक 12.2 का ये फीचर्स आपको कैसा लगा, और अगर इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशंस हैं, उन सभी को अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. चैनल सब्सक्राइब्ड है तो ये जरूर चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट है या फिर नहीं. साथ ही मैं आपको ये जरूर पता चलूं कि यहाँ पर जो नेविगेटर बटन वॉइस में रिकॉर्ड करते वक्त अनाउंस किया करता था वो प्रॉब्लम अभी भी फिक्स नहीं किया गया है, प्रॉब्लम अभी भी जारी है. इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आगे हम वीडियोस में इसे डिस्कस करने वाले हैं. उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर अगर पहले वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर कॉल को जरूर सेलेक्ट करना ना भूलें. लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ ही शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी इसके अपडेट के बारे में जान सके एंड इसके चेंजेस एंड फीचर्स को जान सकें. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में. टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप चैनल के अबाउट सेक्शन में अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल के अबाउट सेक्शन को और ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स को.